ललित नंदा जी, बिल्कुल कब तक हमारे देशवासी, हमारे नागरिक इन्हीं भाषणों की बदौलत जिंदा रहेंगे? कब तक उनको भाषण मिलता रहेगा? राशन भी चलिए आज देना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या राशन सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं लगता जीने के लिए ही मिल रहा है, जिंदा रहने के लिए ही मिल रहा है? या आज हम ये मान लें कि जिंदा रहना ही विकास है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आज हम हैं। नोटबंदी से हमने ये भाषण सुनने शुरू किए और भाषणों की कमी नहीं है, प्रोविजन की बहुत बड़ी कमी है, फ्यूचर प्लानिंग की बहुत बड़ी कमी है, डे टू डे इमेज करेक्शन में ही सारा जोर है, इलेक्शन जीतने में ही सारा जोर है, इमेज को पॉलिश एस्टेब्लिशमेंट्स को सेट करने में। एक एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा उठ खड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में, कोर्ट्स ने ऑक्सीजन वैक्सीन, तो आशा की किरण उधर से आ रही है, आशा की किरण बंगाल से आ रही है, तो चीज़ें बदल तो रही हैं। सरकार की तरफ से ना सही, एस्टेब्लिशमेंट्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से तो आशान्वित हो सकते हैं हम, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल आशान्वित तो होना ही चाहिए,